हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारा दिया गया ये रेफरल कोड दैट इज़ रैंक 10, अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो आइए कोर्स शुरू करते हैं। वेल, दिस कोर्स इज ऑल अबाउट तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री एंड आई विल बी कवरिंग एंशंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया अलॉन्ग विद आर्ट एंड कल्चर इन दिस कोर्स। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा हो तो मैंने उस सेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1 जो कि था इंडिया इट्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री, उसको कवर किया था। एंड इन दिस सेशन आई विल बी कवरिंग लेसन नंबर 2 दैट इज प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। सो आइए शुरू करते हैं। सो एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन इंडिया गोज बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अब ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम वो टाइम होता है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता हिस्ट्री में, ठीक है। सो जो प्री हिस्टोरिक टाइम है उसको हमने जो डिटरमिन किया है, उसके बारे में जो हमने जाना है वो हमने आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही जाना है। सो हाउएवर प्लेंटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। ओके, सो अब ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या क्या हैं? ये हैं द स्टोन टूल्स, द पॉटरी आर्टिफैक्ट्स एंड द मेटल इम्प्लीमेंट्स विच वर यूज बाय प्री हिस्टोरिक पीपल। ओके, सो विद द डेवलपमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री एंड द लाइफ एंड द कल्चर ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीपल। ठीक है, जैसे जैसे आर्कियोलॉजी के में डेवलपमेंट हुआ उसके साथ साथ हमको प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उनकी रहन सहन के बारे में हमें पता चला। और वो कैसे पता चला प्री हिस्टोरिक टाइम आर्कियोलॉजी से? वो इसलिए क्योंकि द आर्कियोलॉजी यूज सम साइंटिफिक मेथड्स लाइक द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग विच हेल्प अस इन डेटिंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, एज यू ऑल नो दैट देयर इज एन कार्बन इन एवरी ऑर्गेनिक मटेरियल। सो उसको मेजर करके कि कितना कार्बन लॉस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वी डिड द डेटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा भी है द डेटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डन साइंटिफिकली, द टेक्निक ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पज, इट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक मेटल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो इन इंडिया वी हैव डिवाइडेड द प्री हिस्टोरिक पीरियड इंटू द पैलियोलिथिक एज दैट इज ओल्ड स्टोन एज, मिजोलिथिक एज दैट इज द मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक एज दैट इज द न्यू स्टोन एज एंड द मेटल एज। ओके, सो हम आगे इसको एक एक करके पढ़ेंगे सब एजेस के बारे में और इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो ये एक तरीके से टाइम लाइन है स्टोन एज की कि 2.5 मिलियन अगो जो थी वो हमारे थी स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज थी। फिर 15,000 साल पहले हमारे पास था मेसोलिथिक एज हमारा चल रहा था और 11,000 साल पहले हमारा नियोलिथिक चल रहा था। सो आगे चलते हैं। व्हाट इज प्री पैलियोलिथिक एज और द ओल्ड स्टोन एज? एक्चुअली द ओल्ड स्टोन एज साइट्स आर वाइडली फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। काफ़ी जगह पर जो है पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं यानी कि जो जगहें थी वो सब हैं, काफ़ी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हैं। सो दी साइट्स जो आर बेसिकली लोकेटेड नियर द वाटर रिसोर्सेज, जैसे कोई नदी जा रही है या कोई वाटर स्ट्रीम है तो उसके पास जो हैं ये साइट्स बेसिकली रिकॉर्डेड हैं, लोकेटेड हैं। क्यों ऐसा? क्यों कि सिर्फ पानी के सोर्सेज के पास ही लोकेटेड हैं? बिकॉज यू नो दैट वाटर इज द बेसिक एंड द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन आर लाइफ। बिना पानी के जीवन ही नहीं है, जैसे बोलते हैं ना जल के बिना कोई जीवन नहीं है। इसीलिए तो जो ओल्ड स्टोन एज साइट्स थी ये जो हैं जितनी भी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज़्यादातर वाटर सोर्सेज के पास ही लोकेटेड थी। और जो
ओल्ड पैलियोलिथिक पीपल थे, ओल्ड स्टोन एज के जो पीपल थे, दे यूज टू लिव इन रॉक शेल्टर्स एंड केव्स। ये किन में रहते थे? या तो पत्थरों के शेल्टर्स में रहते थे या गुफाओं में रहते थे, ठीक है। और ये ज़्यादातर दे आर ऑल स्कैटर्ड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये काफ़ी जगह पे हैं, मतलब बिखरी हुई हैं, सब जगह फैले हुए हैं। और जो सबसे मेन बात है कि ये पीपल बहुत ही कम झोपड़ी हट्स वगैरह में काफ़ी कम रहते थे, मतलब दे डू लिव रेयरली इन द हट्स विच वर मेड ऑफ लीव्स। सो टू ओल्ड स्टोन हेंज है, उसका जो बेसिक फीचर था, या उसको हम कहें जो उसके लोगों की जो मेन लाइफ का जो उनका रहने सहने का रहने का तरीका था, वो था जो फूड ऑप्टेन करते थे, वो ऑप्टेन करते थे बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग एनिमल एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। सो इसी वजह से उनको क्या बोला जाता था, हंटर्स और गैदरर्स बोला जाता उनको। और वो जो स्टोन वो यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स जो कि हैंड साइज थे, ठीक है, और फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स, ज़्यादातर वो लार्ज पेबल्स यूज़ करते थे, किस लिए, एनिमल्स को मारने के लिए। अब आप देखिए, छोटे पत्थरों से तो आप एनिमल्स को नहीं मार सकते ना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो उनका मुख्य रूप था फूड कलेक्ट करने का, फूड ऑप्टेन करने का, वो क्या था, एनिमल्स को मारना, हंटिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसलिए वो बड़े पत्थर यूज़ करते थे एनिमल्स को मारने के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊँ मैप में, सो दीज वर द टूल्स विच वर यूज बाय, दीज आर द ओल्ड मतलब टूल्स या स्टोन्स। देखिए आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये। सो दीज वर यूज बाय द ओल्ड स्टोन एज पीपल और द पैलियोलिथिक पीपल टू हंट द एनिमल्स। और अगर आपको ये साइट्स दिखाऊँ मैं, भीमबेटका जैसे हो गई, कर्नूल केव्स हो गई, हंसगी हो गई, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, ओके। सो आगे पढ़ते हैं, वी हैव लिटिल नॉलेज अबाउट देयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जो उस टाइम के लोग थे, पैलियोलिथिक एज के या ओल्ड स्टोन एज के लोग थे, उनके बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनका कम्युनिकेशन करने के तरीके के बारे में हमारे को बहुत ही कम जानकारी है। दो वी उनका जो रहने सहने का तरीका था वो थोड़ा सा टाइम के साथ, यानी कि जब वो थोड़ा लोअर पैलियोलिथिक एज, यानी कि जब वो कुल कुछ अपने पैलियोलिथिक एज के ख़त्म होने के टाइम पर आए, ठीक है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो इवॉल्व करते गए, और तो इसीलिए उनका जो रहने सहने का तरीका है वो भी क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। कैसे हुआ, दे मेड अटेम्प्ट्स टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स, मेक क्रूड पॉट्स एंड ग्रो सम प्लांट्स। उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, पॉट्स बनाने शुरू करे और साथ में कुछ प्लांट्स भी ग्रो करने शुरू करे। अब हम लोगों को इनके बारे में पता कैसे चला, एज आई टोल्ड यू कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू। सो वो थी ज़्यादातर ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स, ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स। जो हमें जो सबसे ज़्यादा फेमस साइट है ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स की इंडिया के अंदर, पैलियोलिथिक साइट, वो है भीमबेटका। अगर मैं आपको दिखाऊँ मैप के अंदर, सो हेयर इट इज भीमबेटका, ये यहाँ पे है जीरा, ओके। सो द पीरियड बिफोर 10,000 BC, 10,000 BC से पहले का जो पीरियड है वो किसको दिया गया है, इट इज़ असाइंड टू ओल्ड स्टोन एज, ओके। सो अगर हम ओल्ड स्टोन एज के बारे में जल्दी से बातें करें, जो तीन मेन चीज़ें हैं वो ये कि जो ये लोग थे ये कहाँ रहते थे, जो इनकी साइट्स थी वो ज़्यादातर वाटर सोर्सेज के पास थी। दूसरा चीज़, ये लोग रॉक शेल्टर्स में रहते थे और केव्स में रहते थे। हट्स जो थी, पेड़ हट्स जो थी लीव्स की बनी हुई, वो बहुत ही रेयर थी। तीसरी चीज़ क्या है, ये लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी कि ये लोग अपना जीवन जो है या अपना फूड जो है ये ऑप्टेन करते थे बाय हंटिंग एनिमल्स और गैदरिंग एडिबल प्लांट्स, जो भी नेचर में अवेलेबल है। बिकॉज सो द मेन थिंग इज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेचर एंड द नेचुरल थिंग्स फॉर देयर फूड, ठीक है। और वो क्या यूज़ करते थे, पेबल्स यूज़ करते थे, लार्ज पेबल्स। मैंने आपको दिखाया ना, ये दीज आर द स्टोन्स और द पेबल्स विच दे यूज फॉर द हंटिंग ऑफ द एनिमल्स, ओके। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जब इन लोगों ने इवॉल्व किया, मॉडिफाई करी अपनी लाइफ को, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया और कुछ पेड़ पौधे उगाने शुरू करे। हम लोगों को पता कैसे चलता है ओल्ड स्टोन एज के लोगों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, वो पता चलता है ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स के थ्रू, जो कि इंडिया के अंदर बहुत फेमस साइट है, वो है भीमबेटका। हम वहाँ पर काफ़ी सारी गुफाओं के अंदर ओल्ड स्टोन एज पेंटिंग्स मिलती हैं, ओके।
So now moving forward to the middle stone age, that is Mesolithic age. So Mesolithic age was basically a transitional phase between the Paleolithic age and the Neolithic age. Okay, अगर आप देखें तो ये जो मिडल स्टोन एज है या मिजोलिथिक एज है, ये एक ट्रांजिशनल फेज था पैलोलिथिक एज के बीच में, यानी कि ओल्ड स्टोन एज के बीच में और न्यू स्टोन एज के बीच में. और ये पीरियड अगर हम बात करें तो रफली फॉल करता था 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, फ्रॉम 10,000 बीसी टू 6,000 बीसी. एंड द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ वेयर वी फाइंड द मिजोलिथिक रिमेन्स वर द लंगाज इन गुजरात, आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, एंड देर आर ऑल्सो सम प्लेसेज इन राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जिन जहाँ से हमें मिजोलिथिक लोगों के बारे में पता लगा. द पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स फाउंड एट द रॉक शेल्टर्स गिव एन आइडिया अबाउट द सोशल लाइफ एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द मिजोलिथिक पीरियड. हमें मिजोलिथिक लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में कहाँ से पता लगा, उनकी सोशल लाइफ के बारे में हमें वहाँ उन पता लगा पेंटिंग से और एनग्रेविंग से जो उन्होंने रॉक शेल्टर्स में करी थी, उससे हमें आइडिया लगा उनकी सोशल लाइफ के बारे में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में. और इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, विद द टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स जो कि ज़्यादा बड़े नहीं थे. जैसे कि हमने ओल्ड स्टोन एज में देखा कितने बड़े बड़े पत्थर वो यूज़ करते थे, वो ज़्यादातर होते थे 5 सेंटीमीटर्स इन साइज, जिनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स. सो इफ वी से दैट माइक्रोलिथ्स वर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मिडल स्टोन एज, छोटे पत्थर, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे, ठीक है. सो व्हाट द पीपल, इनका जो रहने सहने का तरीका था वो क्या था, फूड ऑब्टेन करने का, वो अब भी हंटिंग और गैदरिंग पैटर्न ही था, ठीक है. बट इन्होंने क्या अपना थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट किया, वो ये शिफ्ट किया अपने हंटिंग पैटर्न में कि दे शिफ्टेड फ्रॉम बिग एनिमल हंटिंग टू स्मॉल एनिमल हंटिंग एंड फिशिंग. इसी वजह से इन्होंने अपने पत्थरों का साइज भी जो है छोटा कर लिया. अगर बड़े जानवर को मारना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है बड़ा पत्थर चाहिए, अगर छोटे जानवर को मारना है या किसी मछली को पकड़ना है तो उसके लिए तो छोटे टूल्स भी चल सकते हैं. और साथ साथ इन्होंने क्या करना शुरू करा, अब बड़ा पत्थर तो आप फेंक के मारेंगे तो जब किसी जानवर को लगेगा तो वो मरेगा, उसको चोट पहुंचेगी ये. और अगर आप तो अब जैसे मैंने बताया कि दे मूव टू द यूजिंग माइक्रोलिथ्स, इन्होंने छोटे पत्थर यूज करने शुरू करे. सो विद दैट दे स्टार्टेड यूजिंग बो एंड एरो, इन्होंने तीर और कमान का यूज करना शुरू करा हंटिंग के लिए, ठीक है. उसमें क्या करते थे ये लोग, आगे छोटा पत्थर लगाते थे तीर में और उसको बो से एरो को मारते थे एनिमल के लिए और उसको हंट करते थे इस तरीके से. इसके साथ साथ जैसे जैसे हमने देखा कि ओल्ड स्टोन एज भी जब वो लोग अपने एक बहुत ज़्यादा इवॉल्व करा उन्होंने टाइम के साथ, तो उन्होंने भी एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था. इसी तरीके से जो मिजोलिथिक एज के लोग थे, दे ऑल्सो डोमेस्टिकेट द एनिमल्स, और इन्होंने हॉर्टिकल्चर भी किया और प्रिमेटिव कल्टिवेशन, यानी कल्टिवेशन भी धीरे धीरे इन्होंने स्टार्ट कर दिया था. अब हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में कैसे पता लगता है, कि जो मिजोलिथिक साइट्स हैं वहाँ से हमें रिमेन्स मिले हैं एनिमल बोन्स के, वो कौन कौन है, डॉग, डियर, बोर एंड ऑस्ट्रिच. हमें इन लोगों इन जानवरों के वहाँ पर बोन्स के बोन्स मिली हैं, जिससे हमें पता लगता है कि दीज वर द एनिमल्स विच वर डोमेस्टिकेटेड बाय द मिजोलिथिक पीपल. अब अगर हम इनके बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें मिजोलिथिक एज के लोगों के बारे में, सो ओकेजनली द बरियल्स ऑफ डेड वर डेड अलॉन्ग विद सम माइक्रोलिथ्स एंड शेल्स. सो कहीं ना कहीं कहा जाए सो दे यूज टू बिलीव इन द आफ्टर लाइफ फॉर अ थिंग, कि भाई मृत्यु के बाद भी एक जीवन है. इसीलिए कई कई जो बरियल्स हैं वहाँ पे हमें क्या मिला है कि बरियल्स के साथ इन्होंने माइक्रोलिथ्स जो हैं, यानी जो स्मॉल टूल्स हैं और जो कुछ शेल्स हैं, उन लोगों को भी इन्होंने उन चीज़ों को भी इन्होंने साथ में दफनाया है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिजोलिथिक एज. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो जो मिजोलिथिक साइट्स हैं, सॉरी इसमें नहीं अवेलेबल, हाँ तो मेन अगर फीचर्स की बात करें हम मिजोलिथिक की, सो पहला है वो इट वाज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलोलिथिक एज एंड द न्योलिथिक एज. दूसरा है कि जो हम इन लोगों को पता लगता है वो हमें इनकी रॉक शेल्टर्स में जो पेंटिंग या एनग्रेविंग्स हैं उनके थ्रू पता लगता है इनकी सोशल लाइफ के बारे में.
तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मीजोलिथिक पीपल के बारे में वो ये है कि दे स्टार्टेड यूजिंग माइक्रोलिथ्स, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया फॉर हंटिंग एनिमल्स, और बड़े जानवरों से ये शिफ्ट हो गए छोटे जानवरों की तरफ, हंट करने लगे। ठीक है, बड़े जानवरों को इन्होंने हंट करना छोड़ दिया, ये छोटे जानवरों को और फिशिंग करने लगे, ये हंट करने लगे। ठीक है, फॉर दिस दे स्टार्टेड यूजिंग बो एंड एरो। ओके, अलोंग विद दिस दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड दे स्टार्टेड प्रिमिटिव कल्टिवेशन, मतलब हल्का हल्का इन्होंने एग्रीकल्चर कल्टिवेशन हल्का हल्का शुरू कर दिया था इनिशियल स्टेज में, एक तरीके से जिसकी बात करें। और कौन कौन से जानवरों का हमें पता लगता है मीजोलिथिक एज में, वो पता लगता है हमें डॉग का, डियर का, बोर का एंड ऑस्ट्रिच का। और यही अगर हम बात करें इनकी आफ्टर बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, तो ये काफ़ी हद तक माना जाता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ के जो फॉर्मेट है, एक जो कंसेप्ट है, उसके अंदर बिलीव करते थे। कैसे? बिकॉज डेड्स के साथ कई जगह पर माइक्रोलिथ्स यानी कि स्मॉल टूल्स और शेल्स जो हैं दफनाए गए हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नियोलिथिक एज। वेल, जो नियोलिथिक एज है, इट इज सेड टू बी द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो रिमार्केबल प्रोग्रेस हुई है वो नियोलिथिक एज में ही हुई है। और जो ये जो टाइमिंग है इसकी, वो रफली 6000 बीसी से 4000 बीसी है, यानी कि 6000 बीसी टू 4000 बीसी। और जो नियोलिथिक रिमेन्स हैं आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें इंक्लूडेड है कश्मीर वाला, ए कश्मीर वैली, चिरांद इन बिहार, बिलान वैली इन उत्तर प्रदेश, एंड देर आर सेवरल प्लेसेस इन डेक्कन ऑल्सो। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स एक्सकेवेटेड इन साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया का जो है नियोलिथिक एज में बहुत अलग फीचर्स वहाँ पे हमें देखने को मिले कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। सो जो साउथ इंडिया में इम्पॉर्टेंट साइट्स थी वो थी मस्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकल, कर्नाटका और पायमपल्ली इन तमिलनाडु। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट माना जाता है, पायमपल्ली इन तमिलनाडु। ठीक है, एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। आइए मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ, उसमें दिखाता हूँ। सो न्योलिथिक साइट्स जो हैं, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, वो थी बुरजहोम इन कश्मीर वैली, मेहरगढ़ इन द पाकिस्तान एरिया जो आज की डेट में है, चिरांद इन बिहार जीरा। और अगर मैं थोड़ा सा ईस्ट की तरफ आ जाऊँ, वो है दाउजली हाइडिंग। ठीक है, और अगर मैं साउथ की तरफ आ जाऊँ तो ये रहा हल्लूर वाला एरिया, और ये पायमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। ओके, सो अब नियोलिथिक साइट्स में क्या, जो हमने बोला कि इट इज़ अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऐसा क्या हुआ था? जो मेन एंड द चीफ करेक्टरिस्टिक है नियोलिथिक कल्चर की या नियोलिथिक लोगों की, वो ये है दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो इनकी खास बात है वो ये है कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, और साथ साथ दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यूजिंग पॉलिश स्टोन टूल्स। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पॉटरी। अब पॉटरी क्यों बनाने लगे, मतलब पॉट्स वगैरह, घड़े वगैरह क्यों बनाने लगे, क्यों? क्योंकि दे मूव्ड इनटू एग्रीकल्चर। अब इन्होंने क्या करना शुरू करा था, एग्रीकल्चर। तो जो फसल होगी या जो भी उपज होगी उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो चाहिए ना, तो इसीलिए दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पॉटरी। इनफैक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज। अब जैसे जैसे, पहले तो हमने पढ़ा पैलियोलिथिक टाइम में ये लोग क्या थे, हंटर्स और गैदरर्स थे, तो ये मूव ऑन करते रहते थे, मतलब एक जगह पर टिक के नहीं रहते थे। जैसे जैसे जहाँ के इन्होंने रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज खा लिए, ख़त्म कर लिए, तो ये क्या करते थे, मूव ऑन कर जाते थे आगे की तरफ। इसीलिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, विद द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन्हों की एक जो लाइफ हुई वो थोड़ी सी सेटल्ड फॉर्म में आई। इसी वजह से इससे क्या हुआ कि एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज, यानी विलेज बनने शुरू हुए। और जो पहला एग्जाम्पल विलेज का लिया होता है नियोलिथिक एज में, वो है इनाम गाँव का। कौन सा है वो इनाम गांव, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, एक सेकंड में थोड़ा लिख दूं इसमें कौन सा है, इनाम गांव। इनाम गांव वाज द फर्स्ट विलेज, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो इनाम गांव, ये रहा अर्ली विलेज, इट वाज द अर्ली विलेज।
ठीक है, विच वॉज बिलोंग टू द नियोलिथिक कल्चर। ओके, सो नाउ आगे पढ़ते हैं हम। सो जो मैंने जैसे बताया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिंग के साथ साथ, एनिमल डोमेस्टिकेशन के साथ साथ, इन लोगों ने क्या यूज करना शुरू करा, स्टोन टूल्स विच वर पॉलिश्ड नाउ। ओके, सो दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टूल्स विच वर नाउ पॉलिश्ड। क्यों करना शुरू करा पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का या पॉलिश्ड एक्सेस का? बिकॉज दे वर मोर इफेक्टिव टूल्स फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज। ठीक है, सो ये जो चीजें थी, जो पॉलिश्ड माना गया है कि जो पॉलिश स्टोन टूल्स होते थे वो ज्यादा इफेक्टिव टूल्स होते थे हंटिंग के लिए और कटिंग के लिए, ट्रीज कटिंग करने के लिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द दिस नियोलिथिक कल्चर वॉज द मड ब्रिक हाउसेस। ठीक है, इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, मिट्टी के घर बनाने शुरू करें, मड ब्रिक हाउसेस, मिट्टी की ईंटों के घर बनाने शुरू करें, इंस्टेड ऑफ ग्रास हट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा सेटल्ड फॉर्म में आ गए, विलेज कम्युनिटीज थोड़ी सी डेवलप होनी शुरू हुई, और जो पहला विलेज था वो कहाँ डेवलप हुआ था, वो डेवलप हुआ था इनाम गांव में, मैंने आपको जो मैप में दिखाया अभी पीछे। सो ये रहने सहने का इन्होंने अपना तरीका कैसे करा, वो मड ब्रिक हाउसेस बनाने शुरू करे इन्होंने। ठीक है, और पॉटरी कैसे बनानी शुरू करी, व्हील्स। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज व्हील्स वर यूज टू मेक पॉटरी। ठीक है, व्हील्स का इस्तेमाल करना शुरू करा पॉटरी बनाने में। और जो पॉटरी थी वो दो चीजों में यूज होती थी, एक तो कुकिंग में और साथ साथ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, दोनों चीजों में यूज होती थी पॉटरी। ठीक है, और साथ साथ देखा गया है कि जो इनकी बरियल प्रैक्टिसेस थी उसमें भी कि लार्ज अर्न्स वर यूज एज कफिन एंड और द बरियल्स ऑफ द डेड। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट देयर बरियल प्रैक्टिसेस, दैट लार्ज अर्न्स वर यूज एज कफिन्स और द बरियल्स ऑफ डेड। सो देयर वॉज ऑल्सो एन इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर विद द टाइम। सो जो मेन क्रॉप्स थी उस टाइम की वो थी व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट। ये जो थी, ये चार जो थी मेन क्रॉप्स थी उस टाइम की। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट राइस कल्टिवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया। राइस कल्टिवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप, गोड्स एंड कैटल वर वॉज वाइडली प्रेवलेंट एंड कैटल वॉज ऑल्सो यूज फॉर कल्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो हेयर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया समवेयर नियर द गारो हिल्स, सो दिस हेयर द राइस कल्टिवेशन, फर्स्ट राइस कल्टिवेशन, जो राइस कल्टिवेशन है वो यहीं पे सबसे पहले शुरू हुआ। ओके, यहाँ यहीं पे सबसे पहले एग्जाम्पल मिलते हैं राइस कल्टिवेशन के बारे में। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हमने इन नियोलिथिक एज के बारे में, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो क्या था कि नियोलिथिक एज जो थी वो रिमार्केबल प्रोग्रेस मानी जाती है ह्यूमन सिविलाइजेशन में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और ये रफली बिलोंग करती थी 6000 बीसी से 4000 बीसी में। और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं चिरांदिन बिहार, बेलान वैली इन उत्तर प्रदेश एंड सम सेवरल पार्ट्स इन डेक्कन। पयम पल्लू वॉज द इम्पॉर्टेंट साइट्स साइट इन द तमिलनाडु। जो चीफ करेक्टरिस्टिक थी नियोलिथिक कल्चर की वो ये था, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ पॉटरी, और साथ साथ एमर्जेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी। पहला विलेज कौन सा था, इनाम गांव। ओके, सो स्टोन टूल्स वर नाउ पॉलिश्ड, पॉलिश स्टोन टूल्स यूज होने लगे। क्यों? क्योंकि दीज आर मोर इफेक्टिव फॉर हंटिंग एंड कटिंग ट्रीज। साथ साथ जब घर बनने शुरू हुए, विलेज कम्युनिटीज डेवलप होनी शुरू हुई, तो जो घर बन रहे थे वो मड ब्रिक हाउसेस बन रहे थे, और जो पॉटरी थी वो किसके किससे बनती थी, व्हील्स पर, व्हील्स वर यूज टू मेक पॉटरी। ओके, एंड पॉटरी जो थी वो कुकिंग के लिए भी और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स दोनों चीजों के लिए यूज होती थी। एंड व्हीट, बार्ले, राइस एंड मिलेट, ये चार जो थी मेन क्रॉप्स थी जो कल्टीवेट हो रही थी डिफरेंट एरियाज में एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। एंड राइस कल्टीवेशन वॉज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया। हमने देखा ना मैप में गारो हिल्स वाला जो एरिया है ईस्टर्न इंडिया में, दिस वन एरिया, दिस एरिया, यहाँ पर जो है सबसे पुराने एविडेंस मिलता है राइस कल्टीवेशन का, और साथ साथ कैटल वॉज वाइडली प्रेवलेंट। ठीक है, सो
तो दिस वॉज ऑल अबाउट द नियोलिथिक एज। अगर आप पैलियोलिथिक एज से नियोलिथिक एज को कंपेयर करेंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? पहला वो कि ये लोग हंटर गैदरर से मूव हो गए, मतलब मूव ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने, एक ट्रांजिशन जो फेज था इनका वो था टूवर्ड्स अ वेल सेटल्ड कम्युनिटी, और इन्होंने लोगों ने प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर शुरू करा। हंटिंग एंड गैदरिंग तो था ही कहीं हद काफ़ी हद तक, पर साथ साथ एग्रीकल्चर भी इन्होंने शुरू कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और साथ में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, घरों में रहना शुरू कर दिया, पॉटरी बनानी शुरू कर दी। सो दीज वर सम मेन फीचर्स जो मतलब टाइम के साथ साथ डेवलप हुए, इवॉल्व हुए। ओके, सो नाउ मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम वॉज द मेटल एज, विच इज ऑल्सो नोन एज द चाल्कोलिथिक कल्चर, विच इज कॉपर स्टोन पीरियड। ठीक है, वेन कॉपर एंड ब्रॉन्ज केम टू बी यूज्ड। ठीक है, जब कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो यूज में आने शुरू करे, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मेटल एज और चाल्कोलिथिक पीरियड। सो विद द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल्स इनटू आर्टिफैक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो मेटल की खोज है, मेटल बनाना है, वो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आफ्टर द एग्रीकल्चर और वी कैन से विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, एक मेटल का जो खोज थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। दो सम ऑफ द माइक्रोलिथिक टूल्स वर स्टिल कंटिन्यूड एंड टू बी द एसेंशियल आइटम्स। जो माइक्रोलिथिक टूल्स थे वो अब भी थे, बट साथ जब मेटल जो डेवलप हुआ वो बहुत इम्पॉर्टेंट था हिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। ओके, सो विद द फॉर द फाइंडिंग ऑफ मेटल ओर, अब मेटल ओर को ढूंढने के लिए, मेटल ओर जो है एक तरीके से नेचुरल है, ये हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, टू ऑब्टेन द मेटल ओर दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। जिस वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू अ नेटवर्क ऑफ चाल्कोलिथिक कल्चर्स एंड चाल्कोलिथिक कल्चर्स आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन लोगों ने जब मेटल की खोज में घूमना शुरू करा, एक ट्रैवलिंग शुरू करी, तो इस वजह से क्या हुआ, एक कल्चर डेवलप हुआ और ये एक नेटवर्क बनता चला गया चाल्कोलिथिक कल्चर, और जो कि इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में मिलता है। ठीक है, सो जो चाल्कोलिथिक कल्चर है, कहा जाता है कि इट ऑल्सो ग्रोन इन द रिवर वैली एरियाज, ये जो है रिवर वैली एरियाज में जो है ज्यादातर डेवलप हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर है, चाल्कोलिथिक कल्चर है चाल्कोलिथिक एज का, वो है हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर इज दिस कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द चाल्कोलिथिक कल्चर, और हम पढ़ेंगे आगे अब हड़प्पन कल्चर कितना इम्पॉर्टेंट था। अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में, तो जो हड़प्पन कल्चर था वो ये देखिए, यहाँ पे डेवलप है वो, इधर इस एरिया में डेवलप है वो हड़प्पन कल्चर पूरा। और ये कौन सा एरिया, ये है इंडस वैली वाला एरिया, ये देखिए, ये जो इंडस रिवर जा रही है ना, यहाँ पे ये जा रही है इंडस रिवर, साथ में फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, छेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सो यहीं पे आसपास जो है कौन सा कल्चर डेवलप हुआ था, इंडस वैली कल्चर। ओके, सो नाउ मूविंग टू द मेटल एज, नाउ कंटिन्यूइंग टू द मेटल एज, इफ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडिया, हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में तो पढ़ लिया कि हड़प्पन कल्चर जो है डेवलप हुआ था, चाल्कोलिथिक कल्चर जो है डेवलप हुआ था रिवर वैलीज में, जैसे कि हमने देखा हड़प्पन कल्चर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली वैली में जो है डेवलप हुआ। अगर हम बात करें वहीं साउथ इंडिया की, तो जो वहाँ की रिवर वैलीज थी, गोदावरी, कृष्णा वैली, तुंगभद्रा, पेन्नार एंड कावेरी, वो थी काफ़ी हद तक फार्मिंग कम्युनिटीज, वो अब भी जो है फार्मिंग कम्युनिटीज ही थी, वो सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज थी। ओके, ऑल दो यहाँ पे जो मेटल का यूज है साउथ इंडिया में, वो नॉर्थ इंडिया से या नॉर्थ वेस्ट इंडिया से थोड़ा लेट देखा गया, देयर इज एविडेंस ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स बाय द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BC। ओके, सो द चाल्कोलिथिक एज इज फॉलोड बाय द आयरन एज, जो ब्रॉन्ज या जो कॉपर ब्रॉन्ज एज थी, चाल्कोलिथिक एज थी, उसके बाद जो आई वो थी आयरन एज, और जिसको हम ज़्यादातर रेफर करते हैं वेदास से, यानी वैदिक कल्चर से, वैदिक एज से, हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो द आयरन एज ऑफ द सदर्न पेनिनसुला, जो साउथ इंडिया की या सदर्न पेनिनसुला की जो आयरन एज है, सॉरी हाँ आयरन एज है, वो बेसिकली जानी जाती है मेगालिथिक बरियल्स से, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब मेगालिथिक क्या क्या मतलब है? मेगालिथ का मतलब होता है लार्ज स्टोन। ओके, सो जो बरियल्स थे यानी जो दफनाए जाते थे बरियल्स, दो बरियल पिट्स वर कवर्ड विद दीज स्टोन्स। जो बरियल पिट्स थी, जो ग्रेव्स होती थी, उन लोगों उनको क्या करा जाता था, मेगालिथ से कवर कर दिया जाता था। एंड सच ग्रेव्स आर एक्सटेंसिवली फाउंड इन द सदर्न इंडिया। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट मेगालिथिक साइट्स हैं वो कर्नाटका में है मस्की एंड हल्लूर, और आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन कोंडा एंड अधिचनल्लूर है तमिलनाडु में। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं मेगालिथ्स कैसे होते थे, वो इस टाइप से होते थे। अब देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये कितने बड़े पत्थर हैं। यहाँ पर जो है कहीं दफनाया गया जैसे, और उसके बाद क्या कर दिया गया, इसको कवर कर दिया गया बड़े पत्थरों से। ये देखिए कैसे इन लोगों ने बरियल पिट्स को कवर कर दिया, देखिए आप। ओके, सो दीज आर द मेगालिथ बरियल्स। ओके, सो जो इस टाइम पर पॉटरी यूज में थी वो थी ब्लैक एंड रेड पॉटरी। ओके, ब्लैक एंड रेड पॉटरी वॉज यूज इन दिस टाइम हियर। एंड आयरन आर्टिफैक्ट सच एज होज, सिकल्स एंड स्मॉल वेपन्स वर फाउंड इन द बरियल पॉट्स। जो बरियल पॉट्स होते थे उसमें होज, सिकल्स और स्मॉल वेपन्स जो हैं अब भी मिलते हैं। मतलब काफी हद तक माना जाता है दैट दीज पीपल यूज टू बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, कि भाई मृत्यु के बाद भी जीवन है, उसके अंदर काफी तरह के, काफी हद तक ये लोग विश्वास करते थे। हमें इनकी थोड़ा बरियल प्रैक्टिसेस से पता लगता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटल एज। अगर मैं इसको ब्रीफ करूं मेटल एज को, सो जो चालकोलिथिक कल्चर था वो कॉपर और ब्रॉन्ज के इन्वेंशन के साथ था। इसमें क्या होता था कि दे स्टार्ट इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन, और इसमें दे यूज टू यूज माइक्रोलिथिक टूल्स। ओके, फॉर कलेक्टिंग द मेटल ओर्स दीज पीपल यूज टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जिस वजह से जो चालकोलिथिक कल्चर है वो काफ़ी पार्ट्स में इंडिया के फैल गया। और ये लोग जो हैं चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो ज़्यादातर रिवर वैलीज में ही डेवलप हुए। मेटल एज के जितने भी कल्चर्स हैं ये लोग रिवर वैलीज में डेवलप हुए, जैसे कि हड़प्पा कल्चर जो डेवलप हुआ इंडस वैली में। ओके, अगर वहीं हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में मेटल जो है थोड़ा लेट शुरू हुआ, अराउंड सेकेंड मिलेनियम बीसी उसका यूज शुरू हुआ। और फिर चालकोलिथिक एज के बाद आती है आयरन एज, जिसको हम वेदास के साथ रेफर करते हैं। ओके, अब इसके अंदर साउथ इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था मेटल एज का, वो था मेगालिथिक बरियल्स, जो कि मैंने आपको दिखाया कि बरियल्स को बड़े बड़े पत्थरों से कवर कर दिया जाता था, और इस टाइम के लोग ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करते थे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसमें हमने पढ़ा पैलोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड द मेटल एज। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टोन एज एंड द मेटल एज। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री से, एंड बहुत ज़्यादा जो है इसका इम्पॉर्टेंस है। ओके, सो जो अर्लीस्ट एक्सकेवेशंस हैं वो कहाँ मिली, इंडस वैली में। इंडस वैली में मिली, जो कि थी सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि आज पाकिस्तान वाला एरिया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान में है, और थोड़ा बहुत इंडिया के अंदर लाई करता है प्रेजेंट डे में। आप ये देख सकते हैं मैप में, ये ब्राउन वाला एरिया है, ये जो साइट्स हैं ये सब इंडस वैली साइट्स हैं। और ये देखिए ब्लू से जो इंडस रिवर जा रही है, ये ब्लू से जो इंडस रिवर जा रही है, इसके साथ साथ पूरी ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये इंडस रिवर हो गई है, झेलम ट्रिब्यूटरी, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये सारे का सारा जो है इंडस वैली है, यहीं पे जो है ये डेवलप हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो द हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदारो इन द सिंध वर द इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स, वर द इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये रहा मोहनजोदारो और हड़प्पा जो है ये रहा, हेयर इट इज हड़प्पा। ठीक है, सो हड़प्पा वॉज द वेरी फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इस जगह, इस कल्चर का या इस सिविलाइजेशन का नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख दिया, बिकॉज हड़प्पा वॉज द वेरी फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सो जो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं अगर मैं बात करूं जो एक्सकेवेटेड हुई हैं, वो थी कोत डीजी इन सिंध, कालीबंगा इन राजस्थान, रोपड़ इन पंजाब, बानावली इन हरियाणा।
लोथल इन गुजरात, सुरकोतोडा एंड धोलावीरा, ऑल थ्री आर इन गुजरात. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट साइट्स. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये हो गया मोहनजोदारो, ये हो गया कोतदीजी, ये हो गया धोलावीरा, ये हो गया अलादीनो, ये हो गया सुरकोतोडा, ये हो गया लोथल. जो लोथल था इट वॉज एन एंशियंट पोर्ट टाउन या पोर्ट सिटी, ये यहाँ पे समुद्र बंदरगाह था, ठीक है. एंड इट इज़ यूज फॉर एंड फॉरेन ट्रेड ऑल्सो. लोथल जो है एक पोर्ट था और ये मैरिटाइम एक्टिविटीज़ में यहाँ के लोग इन्वॉल्व थे और ये लोग क्या करते थे, इट दे कनेक्ट अस, फॉरेन ट्रेड वॉज कनेक्टेड टू इंडिया थ्रू दिस लोथल पोर्ट ओनली, ओके. और अगर मैं थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आ जाऊँ तो मांडा हो गया ये, और अगर मैं थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाऊँ तो ये हो गया सुतकागेंदौर, और मैं थोड़ा सा ये दीज आर ऑल साइट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो रफली टाइम डेटेड टाइम पीरियड माना जाता है, इसका डेट मानी जाती है, वो माना जाता है 2600 से लेके 1900 BC तक, ठीक है. यानी 2600 BC टू 1900 BC जो मैच्योर फेज माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो इस टाइम को माना जाता है. सो नाउ कमिंग बैक टू इट्स ओरिजन, कि भाई ये ओरिजन कैसे हुआ. वेल एक चीज और है, दैट मोहन जोदाड़ो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द इंडस सिटीज. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बहुत सबसे बड़ी सिटी थी या सबसे बड़ा जो साइट थी वो थी मोहन जोदाड़ो. ये कहते हैं कि इट वॉज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ये 200 हेक्टेयर तक फैला हुआ था मोहन जोदाड़ो. सॉरी. तो अब हम बात करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की. कहा माना जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इट वॉज इवॉल्व इन द फोर फेजेस. द वेरी फर्स्ट वॉज द प्री हड़प्पन, देन देयर इज एन अर्ली हड़प्पन, देन द मैच्योर हड़प्पन एंड देन द लेट हड़प्पन. सो हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जैसे हमने ओल्ड हमने स्टोन एज को चार पार्ट्स में बांटा था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मेटल एज जब आ गई. तो इसी तरीके से अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को उसको हमने फोर फेजेस ऑफ इवोल्यूशन में बांटा है, जो कि है प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन. सो अगर हम बात करें इनके फीचर्स की, कि भाई इन लोगों इन व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ दीज फेजेस. अगर मैं प्री हड़प्पन कल्चर की बात करूँ, सो जो यहाँ के लोग थे वो नोमैडिक पीपल थे और इन लोगों ने एग्रीकल्चर लाइफ शुरू कर दी थी, ओके. एंड मेहरगढ़ वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन कल्चर. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो मेहरगढ़ पड़ता है इधर कहीं, एक सेकेंड, मेहरगढ़, सॉरी, थोड़ा आई एम अनेबल टू फाइंड मेहरगढ़, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है. तो और अगर मैं अर्ली हड़प्पन स्टेज की बात करूं, जो अर्ली हड़प्पन स्टेज था, वहाँ के लोग क्या करने शुरू हुआ, द पीपल लिव्ड इन द लार्ज विलेजेस एंड इन द प्लेन्स एंड देयर वॉज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ टाउन्स इन इंडस वैली. इन लोगों ने क्या करना शुरू करा, दे मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ, ओके. इन द अर्ली हड़प्पन पीरियड व्हाट द पीपल डिड, दे स्टार्टेड ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन लाइफ. यानी ये लोगों ने क्या करना शुरू करा, एक टाउन्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ और इन लोगों ने रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ की तरफ ट्रांजिट करना शुरू करा. एंड आमरी एंड कोतदीजी आर द साइट्स वेयर वी फाउंड द अर्ली हड़प्पन कल्चर्स एविडेंसेस. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये रहा कोतदीजी और आमरी रहा ये. सो दीज आर द अर्ली हड़प्पन साइट्स. यहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू करा, ट्रांजिट करना शुरू करा रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मैच्योर हड़प्पन स्टेज, तो ये तो बहुत ही रिमार्केबल थी ह्यूमन सिविलाइजेशन में. क्यों, इससे क्या हुआ, ग्रेट सिटीज एमर्ज्ड लाइक कालीबंगा, और यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, अर्बन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमें आज की डेट में देखने को मिलते हैं. वो था टाउन प्लानिंग, फिर उसके बाद था इनका एक सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट एंड द अर्बन फीचर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन स्टेज. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो दीज आर ऑल द मैच्योर हड़प्पन साइट्स एंड द इम्पॉर्टेंट वन आर द हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी,
मोहनजोदारो, धोलावीरा, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट हड़प मैच्योर हड़प्पन साइट्स, और मोहनजोदारो जो था वो इनमें सबसे बड़ा था. इट इज टू बी सेड दैट इट वॉज स्प्रेड अक्रॉस 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. ठीक है, इसका इतना ज़्यादा बड़ा था ये. और वहीं हम बात करें लेट हड़प्पन स्टेज की, जब उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसे डिक्लाइन माना जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिसे डिक्लाइन माना जाता है, हड़प्पन कल्चर का, इंडस कल्चर का, सो उसकी एक्सकेवेशन हमें मिलती हैं लोथल से. लोथल रिवील दिस स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. एज आई टोल्ड यू दैट लोथल वॉज अ एम्पोरियम ऑफ ट्रेड बिटवीन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज मेसोपोटामिया. जो लोथल था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, जो कि ट्रेड में फैसिलेट करता था, एक एम्पोरियम ऑफ ट्रेड था, इंटरनल ट्रेड में भी और फॉरेन ट्रेड में भी, जो कि हमारा फॉरेन ट्रेड माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ था. हम आगे पढ़ेंगे इसको. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द सैलियंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर. हड़प्पन कल्चर्स के जो सैलियंट फीचर्स थे, ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट सैलियंट फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द टाउन प्लानिंग. ये लोग अपनी टाउन प्लानिंग के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस थे. द हड़प्पन कल्चर वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, जो कि था ग्रिड सिस्टम, यानी कि जो स्ट्रीट्स और लेन्स थी वो एक दूसरे को राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्रीज पे कट कर दी थी. जैसे कि ये एक स्ट्रीट जा रही है तो दूसरी स्ट्रीट ये हो गई, ये देखिए कैसे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या जैसे ये एक रोड जा रही है तो दूसरी रोड यहाँ कट कर रही है. तो और ये ग्रिड सिस्टम में थे, यानी कि ग्रिड सिस्टम में थे इस टाइप से ये लोग, इनके टाउन से. अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में, सो दिस इज एन हड़प टाउन प्लानिंग स्केच ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हड़प्पन टाउन्स का ये स्केच है. आप ये देखिए कैसे ये रोड्स जा रही हैं, ये देखो ये जो रोड जा रही है मेन रोड, फिर ये 90 एंगल पे ठीक कट कर रही है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द हड़प्पन टाउन प्लानिंग. माना जाता है कि जो हड़प्पन टाउन्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे. एक जो था थोड़ा सा हाई पोडियम पे बना हुआ था ब्रिक्स के, उसको वो माना जाता है, उसको बोला जाता है सिटेडल. ये रहा सिटेडल, बिल्ट ऑन हाई पोडियम ऑफ मड ब्रिक. और दूसरा जो माना जाता है वो है बिलो द सिटेडल इन ईच सिटी लेज अ लोअर टाउन. ठीक है, सो बोला जाता है कि जो ये सिटेडल था ना, इट वॉज बेसिकली फॉर द इम्पॉर्टेंट पीपल, मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोग रहते थे और उस टाइम के. और ये काफ़ी हद तक जो है, मतलब एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव माना जाता है कि ये जो सिटेडल वाला एरिया था, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था इन लोगों का. ओके, और जो लोअर टाउन थे, ये जो लोअर टाउन थे, यहाँ के लोग जो यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे. एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज बोथ टाउन्स वर दीज वर फोर्टिफाइड, यानी इनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी. ओके, सो द लार्ज स्केल ऑफ यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड. हड़प्पन टाउन्स में घर बनाने में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो ये है कि जो बर्न्ड ब्रिक्स थी, यानी पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था घर बनाने में. ओके, सो देयर वॉज एब्सेंस ऑफ स्टोन. हमने पहले देखा कि मड ब्रिक के हाउसेज बने, पत्थरों के हाउसेज बने. सो हड़प्पन कल्चर की इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, वो ये है कि बर्न्ड ब्रिक्स के हाउसेज बने हैं और एब्सेंस है स्टोन्स की. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हड़प्पन टाउन्स एंड हड़प्पन हाउसेज, वो कैसे बने. एंड द रिमार्केबल फीचर, जो आज की डेट में भी हम रूरल एरिया में जाएं तो हमें कई जगह पे नहीं दिखने को मिलता, वो था इन लोगों का अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, ये बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल फीचर था हड़प्पन कल्चर का. इसमें क्या था कि जो ड्रेन्स थी वो कनेक्टिंग ऑल हाउसेस टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी जो घरों से ड्रेन्स आती थी वो स्ट्रीट की जो गलियों में जो ड्रेन थी, मेन ड्रेन थी, उनके साथ कनेक्टेड थी. और दीज वर कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक्स. आप देखो सैनिटेशन का कितना ज़्यादा इन्होंने ध्यान रखा है, साफ सफाई का कितना ज़्यादा ध्यान रखा है कि जो ड्रेन्स थी, जो नालियाँ थी, इन लोगों ने उनको भी पत्थरों से ब्रिक्स के साथ कवर करके चले लोग. ठीक है, अब बात करें हम थोड़ा सा इनकी सोशल लाइफ के बारे में या इकोनॉमिक लाइफ के बारे में. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदाड़ो इज द ग्रेट बाथ. ठीक है, जो टाउन्स थे इनमें जो थे
कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस भी थी, यानी कि ये लोग पब्लिक इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते थे। तो मोहनजोदारो में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है ग्रेट बाथ, ठीक है। और जो ग्रेट बाथ यानी कि एक बड़ा सा तालाब है मिला है, जिसके आसपास क्या थे, रूम्स थे, यानी कि चेंजिंग के लिए, फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। और जो इस बाथ का फ्लोर था वो किससे बना हुआ था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। और इसमें पानी कहाँ से आता था, देयर वॉज अ लार्ज वेल इन द एडजेसेंट रूम, यानी साथ में ही एक एडजेसेंट रूम में ही एक पानी के लिए, पानी के सोर्स के लिए एक बड़ा कुआं था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट बाथ। और वहीं बात करें इम्पॉर्टेंट जो हमें बिल्डिंग और मिली है हड़प्पन कल्चर की या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो थी ग्रेनरी। सबसे बड़ी ग्रेनरी जो मिली है वो मिली है मोहनजोदारो में। इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो विच वॉज ग्रेनरी, एंड इट वॉज 150 फीट लेंथ एंड 50 फीट ब्रेथ, यानी ये 150 x 50। दिस वॉज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ग्रेनरी। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी ग्रेनरी थी ये। और ये किस लिए यूज होती थी, एग्रीकल्चर जो ये लोग करते थे वो प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स को जो है स्टोर करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें हड़प्पा की, जो हड़प्पा टाउन था, वहीं हमें ऐसी ही 6 ग्रेनरीज मिली हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा मतलब एक एग्रीकल्चर में कितने ज़्यादा स्टेबल हो गए थे कि इन लोगों ने एक्सेस प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से इनको ग्रेनरीज का यूज़ करना पड़ा, ठीक है। यानी जहाँ पे अपना जो ग्रेन्स है उनको स्टोर कर सके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू देयर इकोनॉमिक लाइफ, जो कहा जाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, रूरल से अर्बन लाइफस्टाइल इन लोगों ने फॉलो करना शुरू करा। सो अलोंग विद द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स वर ऑल्सो देयर। अर्बन, एक जो अर्बन फीचर होता है किसी भी टाउन का या किसी भी सिविलाइजेशन का, वो क्या होता है, वहाँ के लोग पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे ना निर्भर होकर के अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें, या चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्राफ्ट्स हो, या वो ट्रेड हो। सो दीज आर द अर्बन फीचर्स, ओके, ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल। एंड इनकी जो मेन क्रॉप्स थी वो थी व्हीट और बार्ले, और उसके अलावा जो कुछ क्रॉप्स हमें मिली हैं वो हैं सीसेम, मस्टर्ड एंड कॉटन। दीज आर ऑल्सो द सम क्रॉप्स विच वी गेट टू नो अबाउट। सो द सरप्लस ग्रेन इज स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज। मैंने आपको बताया ना भी पीछे की जो ग्रेनरीज हमें मिली मोहनजोदारो में, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है मोहनजोदारो की, और 6 ग्रेनरीज हमें मिली हड़प्पा टाउन से। सो दीज वर सो द सरप्लस ग्रेन, जो जितनी भी ये सरप्लस में ग्रेन्स होती थी वो इन ग्रेनरीज में ही स्टोर करी जाती थी। अलॉन्ग विद दैट शीप, गोट्स एंड बफेलो वर डोमेस्टिकेटेड। अब हमें इन लोगों के, इन जानवरों के बारे में कहाँ से पता लगता है, वो पता लगता है हमें हड़प्पन सील्स से। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स थी उनसे हमें इन जानवरों के बारे में पता लगता है। कैसे, कि इन जानवरों के जो हैं ड्राइंग्स बनी हुई हैं उन सील्स के ऊपर। ओके, सो स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ आर्टिसंस वॉज देयर, यानी कि लोग जो हैं क्राफ्ट में जैसे मैंने बताया इन्वॉल्व थे, तो एक स्पेशलाइज ग्रुप्स था आर्टिसंस का, जो कि थे गोल्ड स्मिथ, ब्रिक मेकर्स, स्टोन कटर्स, वीवर्स, बोट बिल्डर्स एंड टेराकोटा मैन्युफैक्चरर्स। अब आप देखिए कि जैसे मैंने बताया कि लोग पक्के घरों में आ गए, तो पक्के घरों के लिए ईंटें बनाने वाले भी तो चाहिए, तो वो थे ब्रिक मेकर्स, और इसी तरीके से गोल्ड स्मिथ भी थे और वीवर्स भी थे, स्टोन कटर्स भी थे। सो अपार्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, सो दीज वर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच वर फाउंड इन प्रेजेंट इन द हड़प्पन कल्चर एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एंड द कॉपर वेसल्स आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। अब आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे इन लोगों ने ब्रॉन्ज के और कॉपर के वेसल्स बनाने शुरू करे, तो दीज वर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द हड़प्पन मेटल क्राफ्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं, सो ये है, दीज आर द सील्स, ओके, ये सील्स हैं, ये पॉटरी है। आप इसको देखिए कितना फाइन वर्क कर रखा है इन लोगों ने। सॉरी, दिस इज ऑल्सो सील, और ये है टेराकोटा फिगरीन, जो कि एक बलक का आर्ट है, ओके, जो बच्चों के खेलने के लिए यूज होती थी। अब आप खुद देखिए सील्स कितनी फाइन है,
इनकी कितना जो शेप है वो स्क्वायर है, और किस तरीके से जो इस पे फीच बनाए गए हैं, जानवर बनाए गए हैं, और ये स्क्रिप्ट है इनकी, और ये जानवर वगैरह जो इस पे बनाए हुए हैं, और ये टेराकोटा फिगरेंस है बच्चों के खेलने के लिए जो बलक कार्ट है, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दैट रेड एंड ब्लैक पेंटेड पॉटरी वॉज अवेलेबल वॉज इज फाउंड। अब देखिए रेड एंड ब्लैक ही तो है, ये रेड और ये ब्लैक से इसके ऊपर एनग्रेविंग जो है इस पे थोड़ा सा डिजाइनिंग करी गई है। ओके, सो द इंटरनल ट्रेड वॉज एक्सटेंसिव विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंटरनल ट्रेड तो था ही था पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ 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 फॉरन ट्रेड भी आया। अब आप देखो उस टाइम पर फॉरन ट्रेड करना कितनी बड़ी बात है। तो जो इन कंट्रीज के हमें मिला है कि जिनके साथ हमारा फॉरन ट्रेड था, वो था मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। एंड मेन एक्सपोर्ट्स वर जो एक्सपोर्ट्स थे उस टाइम पे, वो थे सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, बार्ले, पीस, ऑयल सीड्स एंड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इन लोगों का हम क्या इन चीज़ों का हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो हैं इंपोर्ट करते थे, वो काफ़ी हद तक गोल्ड्स का, सिल्वर का, हम इन चीज़ों का वहाँ से इंपोर्ट करते थे। एंड द ट्रेड वॉज बेसिकली अ बार्टर टाइप। बार्टर टाइप यानी कि कोई करेंसी नहीं थी उस टाइम पे, जो ट्रेड था वो बार्टर टाइप था, यानी एक्सचेंज होता था। जैसे मान लो गेहूं की बोरी के बदले में हमने उनसे कुछ और चीज़ ले ली, जैसे कि अगर मान लो उनके पास एक सोने का टुकड़ा है, तो हमने उनको गेहूं की बोरी दे दी और उसके बदले में क्या कर लिया, उनको उनसे सोना ले लिया। सो देयर इज एविडेंस टू प्रूव द ट्रेड लिंक बिटवीन द इंडिया इंडस पीपल एंड द मेसोपोटामियन पीपल। और वो एविडेंस क्या है, देयर वर मैनी सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच हैव बीन फाउंड इन द मेसोपोटामिया। अब आप देखो कि यहाँ की जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया कैसे पहुँच गई, यानी कि इनका बीच में एक ट्रेड लिंक था ना, ये लोग ट्रेड करते थे ना, इसी वजह से ये जो सील्स थी इंडस वैली की वो मेसोपोटामिया में पहुंची। सो दिस वॉज द एविडेंस विच शोज विच प्रूव्स द ट्रेड लिंक बिटवीन द इंडस पीपल एंड द मेसोपोटामियन पीपल्स। और जो सील्स थी और जो टेराकोटा मॉडल्स थे वो क्या थे, वो क्या रिवील करते हैं कि यूज ऑफ बल्क कार्ट्स एंड ऑक्सन फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ होती थी वो थी लैंड के लिए बल्क कार्ट्स यूज़ होती थी, वहीं सी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती थी, मैरीटाइम के लिए यूज़ होती थी बोट्स और शिप्स। अगर मैं आपको ये देखो, आप ये देखो ये किस चीज़ क्या है, ये एक बल्क कार्ट ही तो है, दिस इज अ बल्क कार्ट। ओके, सो ये बनी कैसे, अब इन मतलब ये उस टाइम पे यूज में होगी, तभी तो उस टाइम के आर्टिस्ट ने जो वहाँ क्राफ्ट वाले लोग थे, उन लोगों ने ये इस चीज़ को बनाया बच्चों के खेलने के लिए। टेराकोटा फिगरेन है ये। ओके, फॉर प्लेइंग द फॉर किड्स विच बाय विच किड्स कैन प्ले, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। सो नाउ कमिंग टू द सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल इज मच एविडेंस इज अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ। अब हम किसी की भी आज के टाइम में भी हम उनकी अगर हमें किसी की सोसाइटी देखनी हो या उनका कल सोशल लाइफ जाननी हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानना हो, हम किस चीज़ से जज करते हैं कि लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं, किस टाइप की ज्वेलरीज यूज़ करते हैं, या घरों में किस टाइप के बर्तन यूज़ करते हैं, और बच्चे किस तरह के खिलौने यूज़ करते हैं। एक तरह से मोटा मोटा सोशल लाइफ का अंदाज़ा इन्हीं चीज़ों से माना जाता है आज की डेट में भी। सो अगर हम हड़प्पन लोगों की बात करें, तो हड़प्पन टाइम के अगर हम बात करें जैसे कपड़ों की, अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ वियर, एथनिक वियर एंड द वेस्टर्न वियर, ठीक है। एथनिक वियर क्या है, जो इंडिया का पहनावा माना जाता है, और वेस्टर्न वियर क्या है, जो यूरोप या अदर वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे कि जीन्स एंड ऑल दैट स्टफ। एंड अगर हम यहीं एथनिक वियर की बात करें, तो साड़ी, सूट, दीज आर ऑल द एथनिक वियर, ठीक है। सो उस टाइम के लोग क्या करते थे, बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ टू पीसेज ऑफ क्लोथ, वन वॉज द अपर गारमेंट, द अदर द लोअर गारमेंट, ठीक है। एंड मैन एंड वुमेन बोथ वॉर्न बीड्स एंड ज्वेलरीज, यानी कि उस टाइम पे लोग बीड्स भी पहनते थे और ज्वेलरीज भी पहनते थे। माना जाता है कि जो ये बीड्स थी, दीज वर ऑफ द सेमी प्रीशियस स्टोन्स, यानी जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, दीज वर यूज एज बीड्स। ओके, एंड जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे, यानी जो बर्तन या घरों में काम यूज में आने वाले जो चीज़ें थी, वो पॉटरी की बनी होती थी, स्टोन्स होते थे, शेल्स होते थे, आइवरी होती थी, और मेटल के बने होते थे।
ऑल दीज वर फाउंड एट मोहनजोदारो, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द चिल्ड्रन टॉयज, सो इंक्लूड लिटिल क्ले कार्ड्स, जैसे हमने अभी पीछे देखी जो क्ले की बलक कार्ड बनी हुई थी, टेराकोटा फिगरिन था, मार्बल्स, मार्बल बॉल्स, डाइस वर ऑल्सो यूज फॉर गेम्स, ओके। एंड द फिशिंग वॉज द रेगुलर ऑक्यूपेशन, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि फिशिंग इनका एक ऑक्यूपेशन था, उसके साथ साथ हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वर द अदर पास टाइम्स, यानी ये जो अपने पास टाइम में ये लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और बुल फाइटिंग करते थे। एंड देयर वर न्यूमरस स्पेसिमेंट्स ऑफ वेपन्स, यानी कि ये लोग वेपन्स भी रखते थे कि कोई हमला हमला कर दे आस पास से, लोग आ जाएँ या कुछ आ जाएँ, या जानवरों ने हमला कर दिया तो उसके लिए क्या यूज़ करते थे, एक्स, स्पीयर हेड्स, ड्रैगर्स, बोज, एरोज, विच वर मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर सोशल लाइफ, कि वो लोग कपड़े किस टाइप के पहनते थे, ज्वेलरीज यूज़ करते थे, घरों में किस टाइप के चीज़ें उपकरण यूज़ करते थे, और बच्चे किस टाइप के टॉयज के साथ खेलते थे। नाउ कमिंग टू द आर्ट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल या हड़प्पन सिविलाइजेशन, द हड़प्पन स्कल्पचर, जो उस टाइम की मूर्तियां थी या स्टैचूज थे, रिवील्ड अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप, कि उन लोगों ने बहुत ही फाइन काम करा हुआ था, बिकॉज देयर आर फिगर्स ऑफ मैन एंड वुमेन, एनिमल्स, बर्ड्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड कार्विंग ऑन द सील्स। अगर मैं आपको सील्स दिखाई, जैसे अभी मैंने पीछे, आप देखो कितना फाइन आर्ट है, कितने साफ सफाई से इन्होंने इस चीज़ पे एनग्रेविंग करी हुई है सील्स के ऊपर, आप देखो कितनी फाइन तरीके से, और क्या शेप है, बिल्कुल सबकी शेप एकदम कॉमन शेप है। और इसी तरीके से अगर हम पॉटरी की बात करें इनकी, तो कितनी प्यारी इन्होंने इसके ऊपर एनग्रेविंग्स की हुई है, कितना प्यारा आर्टवर्क किया हुआ है और कितना अच्छे सुंदर बनाया हुआ है। और अगर ये टेराकोटा फिगरिंस की बात करें, सो ऑल दिस शोज दैट हाउ द हाउ पीपल वर गुड एट देयर वर्क, यानी वर्कमैनशिप में जो थी कितनी ज़्यादा वर्कमैनशिप, हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप वॉज यूज, ठीक है। एंड द वेरी फेमस फिगर ऑफ द आर्ट, जो अगर हम बात करें हड़प्पन टाइम का, वो था द फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, विच वॉज मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज, इज अ रिमार्केबल फॉर इट्स वर्कमैनशिप। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखो, दिस इज अ फिगर, दिस ये एक ब्रॉन्ज का बना हुआ है और ये मोहनजोदाड़ो से मिला गर्ल का, कितना सुंदर फिगर है ये उस टाइम पे, आप इमेजिन करो कि कितना ज्यादा तरीके से इन लोगों ने काम किया है, ओके। सो नाउ आगे हम पढ़ें तो अगर इनके आर्ट्स के बारे में, पॉटरी, जैसे भी मैंने आपको दिखाया, पॉटरी फ्रॉम हड़प्पा इज अनदर स्पेसिमेन ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ द इंडस पीपल। ये देखिए पॉटरी, कितने सुंदर तरीके से इन्होंने पॉटरी का इस्तेमाल किया, पॉटरी बनाई है। सो ऑल दिस शोज द आर्ट दैट हाउ अ हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप वॉज इन्वॉल्व्ड इन द हड़प्पन आर्ट एंड हड़प्पन जितनी भी पॉटरी वगैरह थी, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर्ट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ कमिंग टू द स्क्रिप्ट, माना जाता है कि जो स्क्रिप्ट है वो एक बहुत ही खास इन्वेंशन थी, एक रिमार्केबल इन्वेंशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन लोगों की। दो दैट स्क्रिप्ट इज नॉट येट फुली डेसिफर्ड, यानी हम उसको अभी तक हम उसको भेद नहीं पाए हैं, उस स्क्रिप्ट को हमें पता नहीं लगा है वो किस टाइप में, मतलब क्या उसके जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। एंड दैट स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट टू लेफ्ट में लिखा जाता था, ओके। आज हम कैसे लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम देखें तो आज हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, इट इज़ द नॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट वॉज टू बी सेड दैट इट वॉज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। सो कुछ स्कॉलर्स हुए हैं या कुछ हिस्टोरियंस हुए हैं, जैसे परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन कॉलीग्स, इन लोगों ने एक बोला कि कंक्लूजन निकाला कि जो लैंग्वेज थी हड़प्पन लोगों की वो थी द्रविडियन, ठीक है, जिसको कुछ लोगों ने उसको आगे उसको सपोर्ट भी किया, सोवियत के स्कॉलर्स ने, सोवियत के हिस्टोरियंस ने उसको सपोर्ट भी किया। और वहीं कुछ अलग स्कॉलर्स हैं जो बोलते हैं कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी उस टाइम की वो थोड़ी बहुत ब्राह्मी जैसी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जैसी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न टाइम्स में अनदर, ओके। सो द मिस्ट्री ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट स्टिल एग्जिस्ट, आज भी हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट को हमें नहीं पता है कि वो क्या है, किस बारे में है, हम उस चीज़ को आज भी नहीं भेद पाए हैं, ओके। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रिलीजन, फ्रॉम सील्स एंड टेराकोटा फिगरिंस एंड कॉपर टैबलेट्स वी गेट एन आइडिया ऑफ द रिलीजियस लाइफ ऑफ द हड़प्पन। अगर हम आज की बात भी करें, हमें आज भी अगर हमें कोई रिलीजन देखना होगा हमारी एक सोसाइटी का या एक कुछ लोगों का, तो हम कैसे जानेंगे कि वो लोग किस टाइप की मूर्तियाँ यूज़ करते हैं,
किस जिनकी वो पूजा करते हैं या किन किन चीज़ों को वो मानते हैं। इसी टाइम से जो हमें वहाँ पे सील्स मिली हैं, टेराकोटा फिगरेंस मिली हैं उस टाइम पे, या कॉपर टैबलेट्स मिली हैं, उससे हमें आइडिया होता है रिलीजियस लाइफ का हड़प्पन लोगों की, जिसमें जो मेन थी चीफ मेल डाइटी वॉज पशुपति, जिसको प्रोटो शिवा भी बोला गया है, जो काफ़ी सील्स के ऊपर भी मिलता है। इट वॉज अ योगिक पोस्चर, एक आदमी बैठा हुआ है योगिक पोस्चर में विथ थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न्स एंड ही इज सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स। एक प्रोटो शिवा मिला है जिसको हमने चीफ मेल डाइटी माना गया है पशुपति, एंड इट्स अ प्रोटो शिवा जो कि एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो के से सराउंडेड है, एंड इट इज एंड ही इज सिटेड इन अ योगिक पोस्चर। ओके, एंड टू डियर्स अपियर ऑन हिज फीट, दो डियर जो हैं उनके चरणों में भी हैं, बनाए गए हैं। ओके, फीट्स में बनाए गए हैं। अलॉन्ग विद दैट द चीफ फीमेल डाइटी वॉज मदर गॉडेस रिप्रेजेंटेड इन द टेराकोटा फिगरेंस। अगर आप थोड़ा सा रिलीजन को सोसाइटी के साथ, यानी उस टाइम की सोशल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री में कनेक्ट करना, तो आप समझ पाएंगे कि बोथ मैन यानी चीफ मेल डाइटी भी है और साथ में चीफ फीमेल डाइटी भी है। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि दैट देयर वॉज अ बैलेंस बिटवीन पेट्रियार्की एंड वुमेन्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब देयर वॉज अ बैलेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन एट दैट टाइम इन द हड़प्पन टाइम्स। इन द लेटर टाइम लिंगा वर्शिप वॉज ऑल्सो प्रेविलेंट, मतलब शिवलिंग जैसे होते हैं, लिंग वर्शिप जो है वो भी धीरे धीरे आई। और साथ में माना जाता है कि दीज पीपल वर द नेचर वर्शिपर ऑल्सो, दैट दे यूज टू वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स ऑल्सो, बिकॉज इन्हीं लोगों से इन लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये मतलब काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हड़प्पन रिलीजन। और माना जाता है काफ़ी हद तक कि दैट दे ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट एंड एविल फोर्सेस, बिकॉज देर आर सो मच एम्यूलेंट्स यानी ताबीज मिली हैं काफ़ी जगह से, मिली हैं, जिस वजह से माना जाता है कि दैट दीज पीपल ऑल्सो बिलीव्ड इन घोस्ट एंड एविल फोर्सेस। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द बरियल मेथड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सो द सिमेट्रीज डिस्कवर्ड अराउंड द सिटीज आर लाइक हड़प्पा मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एंड रोपड़ थ्रोज लाइट ऑन द बरियल प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन। हमें हड़प्पन्स की जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी यहाँ से सिमेट्रीज मिली हैं मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल एंड रोपड़, यहाँ से पता लगता है हमें इनकी बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, बरियल मेथड्स के बारे में। सो जो यूज पॉपुलर थे वो थे कंप्लीट बरियल और पोस्ट सीमेशन क्रीमेशन बरियल, यानी कि पूरा का पूरा ऐसे ही दफना दिया जाता था डेड बॉडी को, वहीं दूसरा अंतिम क्रिया करने के बाद पोस्ट क्रीमेशन बरियल भी था, पॉपुलर था, जिसके लिए वुडन कफिन्स वर ऑल्सो यूज। एंड द प्रैक्टिस ऑफ पॉट बरियल्स इज ऑल्सो फाउंड इन लोथल विद द पेयर ऑफ स्केलेटन, यानी स्केलेटन्स के साथ जो है पॉट्स भी रख दिए, पॉट बरियल भी करा। अगर मैं आपको मैप थोड़ा सा उसका फिगर दिखाऊं, तो आप ये देखिए, आप ए फिगर अगर आप देखेंगे ये वाला, तो देखिए पूरी डेड बॉडी कंप्लीट, इट इज अ कंप्लीट बरियल। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, सो पॉट्स बरियल है इसके साथ में। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ हड़प्पन कल्चर बरियल्स। ओके, यानी बरियल प्रैक्टिसेस जो है इस टाइप से वहां पे होती थी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, हमने सब पढ़ लिया कि दैट हाउ हड़प्पन कल्चर इवॉल्व एंड हाउ इट प्रॉस्पर्ड। नाउ कमिंग टू इट्स डिक्लाइन, कैसे डिक्लाइन हुआ हड़प्पन कल्चर। ओके, दो देर इज नो अन एनिमस व्यू पर्टेनिंग टू दैट कॉज ऑफ डिक्लाइन। अभी इसका कोई एक मत नहीं है, एक मत व्यू नहीं है लोगों का, स्कॉलर्स का, हड़प्पन कल्चर का डिक्लाइन में, कि भाई क्यों डिक्लाइन हुआ हड़प्पन कल्चर। बट माना जाता है कि देर आर वेरियस थ्योरीज विच हैज बीन पोस्टुलेटेड। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से लोग हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन हुआ, यानी कि फ्लड्स आ गई, रिवर्स ड्राई हो गई, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो गई इस वजह से, क्योंकि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया लोगों ने, अर्थक्वेक्स आए कोई कहते हैं, तो इस वजह से विच कॉज द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटीज़, इस वजह से हड़प्पन सिटीज़ डिक्लाइन हो गई, कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है। वहीं कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि जो कुछ तो था ही, चलो ये नेचुरल कैलामिटीज़ तो आई, बट जो फाइनल ब्लो मिला वो मिला द इन्वेजन ऑफ आर्यंस की वजह से, यानी जब आर्यंस ने इन्वेजन किया, इन्वेड किया, तो
तो इन लोगों ने सबसे, ये आर्यन जो है माना जाता है कि दीज वर सुपीरियर, आर्यन जो थे वो क्या थे, हड़प्पन पीपल थे, थोड़ा सुपीरियर थे, इनके पास अच्छे हथियार थे, अच्छे वेपन्स थे कंपेयर टू द हड़प्पन पीपल, तो ये लोग क्या थे, थोड़े सुपीरियर थे. ओके, सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स विच इज ऑल्सो मैंशनड इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में भी मैंशनड है कि इन लोगों ने कैसे, यहाँ के आर्यन से कैसे नेटिव जो लोग थे उनके फोर्ट्स का डिस्ट्रक्शन किया. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड़प्पन टाउन्स थे वो फोर्टिफाइड थे, तो उसका जिक्र जो है, उसको डिस्ट्रक्शन का जिक्र जो है वो ऋग्वेदा में भी मिलता है. एंड ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हडल्ड टुगेदर एट मोहनजोदाड़ो, मतलब एक मार के जैसे बहुत ज़्यादा दफनाया गया है काफ़ी सारे स्केलेटन्स को, तो वो भी मिला है मोहनजोदाड़ो से, जिससे हमें लगता है कि द सिटी वॉज इन्वेडेड बाई फॉरनर्स. ओके, तो जो डिक्लाइन था उसमें दो थ्योरीज बेसिकली मानी जाती है, एक तो नेचुरल कैलामिटीज और एक द इन्वेजन ऑफ फॉरेंस. जब हालांकि अब भी इसके ऊपर एक मत लोगों का व्यू नहीं है स्कॉलर्स का. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हड़प्पन कल्चर एंड चैप्टर टू. ओके, दैट इज द प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, आई होप यू इंजॉयड एंड यू गेट सम गुड नॉलेज एंड यू गेट आप काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी इससे. सो कोर्स ख़त्म करता हूँ मैं यहाँ, मतलब ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और कोर्स लेसन ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस, तो आप हमारा जो ये रेफरल कोड है रैंक 10 यूज़ कर सकते हैं. अगर आप अन अकेडमी प्लस यूज़ करेंगे, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे. वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मिलेंगे जो बहुत यूजफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में. ओके, सो यू कैन गो एंड चेक अन अकेडमी प्लस, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब अन अकेडमी प्लस देन प्लीज़ यूज़ आवर रेफरल कोड दैट इज़ रैंक 10. बाई यूजिंग दिस कोड यू विल गेट अ गुड डिस्काउंट ऑल्सो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन. वी विल हम आगे पढ़ेंगे इसको अगले चैप्टर्स में. विल मीट टूमोरो. थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, टेक केयर, गुड बाय.